नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 19वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो गुरु भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। और आज 19वां अध्याय में है परीक्षित का पुष्वन व्रत की विधि पूछना और सुखदेव जी द्वारा उसका वर्णन करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इस व्रत का बड़ा ही प्रताप है, अतः कृपा कर इसकी विधि बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, जो स्त्री यह व्रत करना चाहे वह अपने स्वामी से आज्ञा लेकर गोप मास अघन में अमावस्या को स्नान करके पहले मरुत देव की कथा श्रवण करे, तत्पश्चात सूकर द्वारा खोदी हुई मिट्टी का शरीर में मलकर स्नान करे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत प्रारंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ब्रह्मचर्य का पालन करे और शास्त्र अनुसार प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजन करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे। फिर सावित्री आदि सतियों का पूजन करके अग्रदेव को खीर की आहुति दे और ब्राह्मण को खीर खिलाकर शेष बची हुई खीर खुद स्वयं खाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसी प्रकार नित्य प्रति निरंतर एक वर्ष तक व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधिवत उद्यापन करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तत्पश्चात ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन कराए उद्यापन तत्पश्चात ब्राह्मणों को और साधुओं को भोजन कराना चाहिए उद्यापन के दिन, और उद्यापन कराने वाले आचार्य को संज्ञा दान करनी चाहिए और गौ तथा द्रव्य देकर प्रश्न करें। इस प्रकार का व्रत करने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र प्राप्त करके सदैव सावित्री के समान रहती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जगत में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, जगत में उस स्त्री के सारे मनोरथ पूर्ण होते। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव।